अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप लोग घर पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सेफ होंगे। तो जिस तरह कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से हम लोग एक लॉकडाउन की सिचुएशन में थे, जिसमें हम लोग लॉन्ग ट्रेवल्स नहीं कर सकते थे। स्टिल वी आर इन दैट सिचुएशन, लेकिन आज हमें एक ज़रूरी काम था तो उसके हम आज जा रहे हैं लाहौर। तो अभी जो है हम लोग इस वक्त सियालकोट और लाहौर मोटरवे पर हैं, और हम आपको वो भी दिखाएंगे कि वो किस कंडीशन में है, क्या उसकी सिचुएशन है, और जो ट्रैवल डिस्टेंस है कि टाइम कितना लगता है, एग्जैक्ट टाइम जो है वो जो मिनिमम है वो कितना लगता है सियालकोट टू लाहौर। तो हमने जिस जगह पे जाना है आज, वहाँ हमने तकरीबन 2 बजे या 2:30 बजे तक पहुँचना है, और अभी 1 तो बज चुका है। तो ना हमने भी नाश्ता किया है, ना हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है अभी तक। तो ये है जी सियालकोट टू लाहौर मोटरवे, और इस वक्त 1:03 हुए हैं, और मोटरवे को एंटर किए हुए हमें ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो चुके हैं। लेकिन हम 1 बजे से ही जो है वो उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि 1 बजे अगर हमने मोटरवे को स्टार्ट किया है तो हम कितने बजे इसको एग्ज़िट करेंगे। और अभी सामने एक बोर्ड आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि लाहौर जो है वो 77 किलोमीटर है, इसके हिसाब से हम ऑलमोस्ट 1 आवर में लाहौर जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि दिस इज़ अ मोटरवे, तो जाहिर बात है स्पीड का भी बीच में स्पीड की वजह से भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि माशाल्लाह इस वक्त स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी है हमारी। तो जिस स्पीड के ऊपर इस वक्त हम जा रहे हैं तो शायद हम लोग 45 मिनट में ही पहुँच जाएँ, और रास्ते में अभी कुछ खाएँगे भी हम अगर हम जल्दी पहुंचते हैं, या फिर जहां पे हमने जाना है वहां से फ्री होके फिर हम कुछ खाते हैं। एग्जैक्ट 30 मिनट्स के बाद हमने सियालकोट मोटरवे को एग्ज़िट कर लिया है, मतलब करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी 1 मिनट रहता है, बल्कि 4 सेकंड रह गए बस, 58, 59 और 60। तो 1:30 जो है वो हो चुके हैं, और सियालकोट मोटरवे को हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो 30 मिनट के अंदर हमने सियालकोट मोटरवे को एंटर करके एग्ज़िट कर लिया है। उससे पहले जो 10 मिनट का सफ़र था या 15 मिनट का सफ़र था, वो आपको लगेगा सियालकोट से मोटरवे तक पहुंचने के लिए। तो 45 मिनट में आप सियालकोट से स्टार्ट हो के सियालकोट मोटरवे एग्ज़िट कर सकते हैं। अब 45 मिनट से आगे देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है लाहौर में एंटर होते हुए। इस वक्त 1:43 हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलरेडी इन लाहौर। तो जिसके हिसाब से ये बनता है कि तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट के अंदर आप इजीली लाहौर पहुंच सकते हैं मोटरवे के थ्रू। और अभी हम लोगों ने जहां पे जाना है हम वहां पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम कुछ खाएंगे, जब कुछ खाएंगे फिर आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो अभी हम डेस्टिनेशन पे तो पहुंच चुके हैं, और बस अब यहां से फ्री होके तो फिर जो है ना आपसे मुलाकात करेंगे। फारिग हम हो चुके हैं, और अभी अभी जो है ना मेरी बैक साइड पर एक गोलगप्पों वाला बंदा खड़ा हुआ है, जिसका मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन आदिल भाई ने कहा है कि नहीं खाने। तो भूख जो है ना वो इंतहा की लगी हुई है इस वक्त। सुबह का नाश्ता भी नहीं, पानी भी नहीं, मन के पास बल्कि पानी पिया था, 1 गिलास पानी पिया सुबह का, और कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो अब हम कहीं ना कहीं जा कर देखते हैं कि कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, या आप क्या करते हैं। तो अभी बात कुछ यूँ है कि हम लोग रुके थे हफीज़ सेंटर, और आज क्योंकि सैटरडे है तो सैटरडे और संडे को जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि शॉप्स वगैरह बंद होती हैं, तो वो भी आज बंद था। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि मैंने वहाँ से 3-4 चीज़ें देखनी थी। फर्स्टली तो मैंने ट्राईपॉड बाय करना था, क्योंकि जो इस वक्त मैं ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने दराज से मंगवाया था, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल जो है ना फजूल तरीन है। इससे पहले मेरे पास थे ट्राईपॉड जो मैं अली एक्सप्रेस से मंगवाता रहा था, तो उनकी क्वालिटी इससे बहुत बेहतर थी। मसला ये है कि इसके अंदर मतलब जो इसकी क्वालिटी है वो इस तरह की है कि फ़ोन को सही तरीके से संभाल नहीं पाता। अगर मैं ज़रा सा भी टर्न करूँगा तो ये मतलब
ये सारा जो फ़ोन है वो नीचे गिर जाता है वजन की वजह से। अदरवाइज़ जो अली एक्सप्रेस से आए थे वो बहुत स्टेबल जो है वो ट्राईपॉड्स थे। तो मेरा प्लान था कि ट्राईपॉड चेक करूँगा, अगर कैमराज वगैरह वहाँ पर मिलते हैं कोई मतलब छोटे मोटे से वो चेक कर लूँगा। तो इस वक्त क्योंकि हफीज़ सेंटर तो बंद है तो वो काम तो आज जो है वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी ट्राई करेंगे, कभी दोबारा चक्कर लगा तो हम चेक कर लेंगे। 3:30 हो गए हैं और भूख से मेरा बहुत बुरा हाल है। यार आपने कुछ खाया नाश्ते में? नहीं खाया। बेचारे की तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। आपने क्या खाया नाश्ते में? मैंने कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया तो फिर कहीं रोक ले, कुछ खा ले हम लोग। अभी जो है हम जा रहे हैं मरीन वर्ल्ड में, वहाँ पे हमने जाके देखनी है फिशेस। और बाय तो नहीं करेंगे मेरा ख्याल, बाय करनी है कि नहीं? नहीं, आदिल वो जिधर पहले गए थे एक दफ़ा। नहीं नहीं, एक और है। तो मरीन वर्ल्ड के बाद फिर देखते हैं कि कहाँ पे खाना खाना, क्योंकि वो वाला डाइनिंग का भी सीन नहीं होगा, सिर्फ टेक अवे है। तो अभी कुछ पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं। कराची जमजम बिरयानी, तब हर जगह खाने का ही जिक्र हो रहा है और वो देख देख के ना मुझे मजीद भूख लगी जा रही है। से हम लोग निकल आए हैं और उसके बिल्कुल तकरीबन ऑपोजिट साइड पर यासर बरोस था, वहाँ पे अब हम लोग रुके हैं। और टाइम जिस वक्त 5 बजने वाले हैं और भूख से जो है ना इस वक्त सबका ये बहुत बुरा हाल है। ये भाई साहब अभी गए थे बाहर और ये ख़ुद कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए हैं और हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए। तो ये है कि जिसमें आप लोग सब जानते हैं कि डाइन इन तो अवेलेबल नहीं है, ओनली टेक अवे है। तो उन्होंने ये हमें फेवर किया कि वो हमें गाड़ी के अंदर ही सर्व कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने करवाया है अफ़गानी पुलाव, उसके बाद एक हांडी करवाई है हाफ, और क्या था, ब्रोस्ट करवाया। ये 3 चीज़ें हमने भी करवाई हैं और दिल तो यही कर रहा है कि जब तक ये आ रही है तब तक हम कुछ और भी आसपास से खा लें, लेकिन आसपास कुछ है नहीं जिसकी वजह से हम लोग कुछ खा नहीं सकते। तो बस अब इंतज़ार ही कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना आए और हम लोग जो है वो खाना खाएँ। तो जो खाने की सिचुएशन है वो हम देख के आए थे, खाना आने वाला है लेकिन मतलब कि ये कि आने वाला नहीं आ गया। तो बड़ी हैवी आदत निकाल चीजें इसके ऊपर, ट्रे ना रखी, ट्रे बहुत हैवी है। छोड़ दे छोड़ दे, ठीक है दरवाजा पर इसी तरह ट्रे ही रख ले, इसे ट्रे ही रख, ट्रे ही रख। ये भाई के लिए रोटी नान सर जी, ठीक है। ये डेली ट्रोक ऑफिस से पूरा आदमी डोर बंद कर दो, आप है ही हमारे इलाके के। चलो चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। मक्खी उसको बैंड कर यहाँ से नीचे का, नहीं पहनना। ट्रे जो है ना वो बहुत बड़ी है, और ये नीचे का थोड़ी नीचे करो, ध्यान से हाथ रखें। ये अफगानी पुलाव है, ये चिकन कढ़ाई है, ये जो है ब्रोस्ट है विद चिप्स एंड दिस इज सैलेड, और ये साथ रायता। अभी ये है कि भूख जाना बहुत लगी हुई है तो खाना सबसे पहले खाना, क्योंकि इंतज़ार नहीं हो रहा बस, तो हम ज़रा खाना खा लें। तो ये है कि खाना जो है वो हमने ऑर्डर किया था यासर ब्रोस्ट है, जिसमें एक अफगान पुलाव था, एक ब्रोस्ट था, एक चिकन कढ़ाई थी, और क्या था, बस यही कुछ था। और तीनों का टेस्ट बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी प्लान कुछ यूँ है कि हम लोग जा रहे हैं ठोकर की तरफ, वहाँ से हम या तो मोटरवे पे जाएंगे तो या फिर हम जाएंगे एम्पोरियम। तो दो ऑप्शन हैं, अगर तो इनके सेम्पोरियम आज खुला होता है
तो फिर हम एम्पोरियम जाएंगे, अदरवाइज हम लोग जाएंगे मोटरवे के ऊपर जो कि हमें लेके जाएगा घर पे, यानी कि सियालकोट। तो सीन कुछ ऐसा है अब कि हम लोग घर जा रहे थे और हमें एक काम था कहाँ पे, DHA में। तो DHA से वापसी पे हमारे सामने आ गया पैकेजेस मॉल, तो आज हम पैकेजेस मॉल को विज़िट करेंगे। सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग पैकेजेस आए थे शॉपिंग करने और यहाँ पे सब कुछ बंद है और सिर्फ हाइपर स्टार खुला, तो हमने ये बाय किया, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई भी एक दुकान नहीं है जो खुली हो। तो मेरा मूड था कि मैं कुछ टी शर्ट्स वगैरह बाय करूँगा, लेकिन सब कुछ बंद है, देखें सब कुछ बंद है। अभी ये है कि 7:12 हो चुके हैं, तो प्लान यही है कि अब वापस जाना चाहिए। तो अब गाड़ी में जाकर मैं आपसे बात करते हैं। बासित भाई, अब क्या प्लान है आपका? बासित भाई, अब क्या प्लान है? अब प्लान है कि हमें वापस जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। गाड़ी में बैठ कर शायद हमारा मूड फिर से बदल जाए, अगर बदला तो आपसे शेयर कर लेंगे, वरना फिर अब हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मोटरवे पे। बात कुछ यूँ है कि हम लोग काफ़ी थक चुके थे और खाना तो हमने खैर खा लिया था, तो हमने डिसाइड किया कि बजाय इसके कि हम लोग कहीं और पर टाइम ज़ाया करें, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शक्ल देखो अपनी। तो बजाय हम लोग टाइम ज़ाया करें, बेहतर यह है कि हम घर चले जाते हैं। तो फिर ऐसा ही हुआ कि जब हम लोग वहाँ से निकले थे, कहाँ से, पैकेजेस मॉल, हाँ, तो जब हम पैकेजेस मॉल से निकले थे वहाँ से, फिर हम डायरेक्ट जब मोटर पे चढ़ गए और वहाँ से हम लोग जब वो सियालकोट आ गए। तो अभी तकरीबन 9:47 हुए हैं और हम अभी अभी सियालकोट में, मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट पहले एंटर हुए थे, और फिर हम लोग अभी 2-4 मिनट पहले कैंट में एंटर हुए थे और अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम लोग मेरे घर के बाहर हैं। आज का जो सफ़र है वो यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई चीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।